कि हम इस साल के दिसंबर महीने के आखिरी इतवार में है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जब आप लोग प्रार्थना सब करते, मैं बहुत लज्जित होता, कहते ऐसा वचन में कुछ वचन लेके नहीं आया है। आज एक आखिरी दिन है हमारे स्कूल में, सब जब शाला में आखिरी दिन होता है तो उधर खेल और मजा, उधर कोई शिक्षा नहीं है। तो आज कुछ ऐसे गंभीर वचन सब लेके मैं नहीं आया। पिछले एक साल कम से कम प्रभु ने जो वचन हमारे सामने रखा, प्रभु ने जो उपदेश हमें सिखाने का प्रयास किया, ये सारे चीज को याद कर कर हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। एक ऐसे महान एक भाषण मेरे पास शायद नहीं है। तो आप लोग ऐसे सब प्रार्थना करते तो मैं थोड़ा हिल जाता हूँ, मैं क्या वचन लेकर आया। दूसरा, आप मुझे कुछ भी करते मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोगों को पता है ये बंदा को अच्छा से गाना गाने नहीं आता। तो अच्छा गाना गाने वाले के पास में जाके खड़ा रहता था, मैं बहुत इसे बहुत बुरा लगता। तो आप लोग जान बूझ के गाना थोड़ा बहुत गलत गलत गाते, तो मुझे लगे कि मैं एक गायक हूँ। धन्यवाद आप लोग की चालाकी को मैं जानता हूँ, और आपकी ये महान हृदय के लिए धन्यवाद। लेकिन अच्छा गायक तो भी मैं खुश होऊंगा, ऐसा मैं सोच रहा है कि ठीक है। रिकॉर्डिंग चालू है साहब? रिकॉर्डिंग चालू किया हमने पहले से, इसे नहीं करते ना। हमने पिछले दिनों में सुन के आया कि परमेश्वर इतवारों से सुन के आए हैं कि परमेश्वर अपने प्रजा को, अपने भक्तों को उसके लिए अलग किया है। संसार से अलग किए हुए लोग हैं, दुनिया की रीति से अलग किए हुए लोग हैं, दुनिया के सोच से अलग है हमारी सोच, दुनिया वाले की प्राथमिकता से बिल्कुल अलग है हमारी प्राथमिकता, दुनिया वाले के लक्ष्य से बिल्कुल हटकर है हमारा लक्ष्य, क्योंकि प्रभु ने हमें खास करकर उसके लिए अलग करके रखा है। नहीं है उसका प्रतिद्रम कैसे करते हमने देखा, अति ऊंचाई की स्तुति और आराधना लेकर परमेश्वर के जन उसके सम्मुख आते हैं। अधिविंचाई की आराधना, अधिविंचाई की आराधना के विषय में मैं आज मैं सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हैं। वे लोग जब आराधना के लिए आते हैं, they present themselves at their very best. वो अपने आप को अत्युत्तम रीति से लेकर आता, अत्युत्तम रीति से लेकर आता। They are at their best before the Lord. वे अपने आप को तैयार करते हैं, वे परमेश्वर की दया से कृपा से आत्मा से पवित्र होकर आते हैं, वो अपने आप को समर्पित करके आते हैं। इतना ही नहीं, वे भेंट लेकर आते हैं, अत्युत्तम सर्वश्रेष्ठ भेंट लेकर परमेश्वर के सामने आते हैं। जरूरी नहीं है कि मोटा चक लेकर आता है, उसका सब कुछ सबसे प्यारा सबसे कीमतीमान सब कुछ प्रभु के चरणों में अर्पण करने के लिए भी आते हैं। और इतना ही नहीं, जब ये लोग ऐसे आते हैं, ये बार बार कर कर आपको मैं बहुत नाराज करते हैं मुझे पता है, तब स्वर्ग भी स्वर्ग के सर्वश्रेष्ठ अनुग्रह अपनी प्रजा के ऊपर बरसा जाता।
हमें लगता था कि प्रभु हमें दुनिया से अलग किया, अपने लिए अलग किया, अब तो दुख की जीवन है, संकट की जीवन है, नाराजगी की जीवन है, क्योंकि लोग मजा मारते हैं, लोग बड़े खुशी से रहता है, लोग अपने अपने मार्ग को अपना कर पैसा इकट्ठा करते हैं, वो लोग तो बड़े खुश नसीब लोग हैं। प्रभु कहते नहीं है, मेरा अति कीर्तिमान, अति अति श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ आशीष उंडेलने के लिए, दान देने के लिए कुछ लोग ही चुन लिए गए हैं, कुछ लोग ही चुन लिए गए हैं। हम क्लास में सब मिलकर बैठते हैं, खेलते हैं, पढ़ते, कभी कभी पढ़ता भी था मैं भी, लेकिन जब साल का अंत था है तुम्हारे उधर एक वार्षिक आक्रोश होता है, एनुअल डे सेलिब्रेशन होता है, उसके पहले जो जो कामयाबी पाए हुए लोग लड़का लोग हैं उन लोगों सब अलग करते हैं और सर लोग बोलते हैं तुम लोग इधर बैठेगा क्योंकि वहां एक बड़ा मेहमान आने वाला है उस दिन, वो मेहमान हमें प्राइज देने वाला है। तो भीड़ में से हमारे स्कूल छोटा नहीं था, बहुत बड़ा स्कूल है और वो स्कूल की जो वार्षिक जो आक्रोश होती है वो देखने के लिए मैदान में, खुला मैदान और सिटी के शहर के बिल्कुल हृदय भाग में है वो, तो उतने सारे लोग आते हैं। मेन बस स्टैंड भी उधर से थोड़ा सा ही दूर है, उधर से भी लोग देख के सब लोग आते हैं और कलाकारी कम नहीं होते हैं, हमारे स्कूल पढ़ने के लिए नहीं था, कलाकारी के लिए था, तो इसी लोग आते हैं, उसके भीड़ में से स्कूल के आने को नहीं होता, तो इन लोगों का अलग करके तब मेरा दोस्त लोग सुतर नाराज होता है क्योंकि हम उसके साथ मिलकर हंसी मजाक करते हैं, हम लोग लेकर आया उन्होंने यहाँ बैठा ले किया है, सारी खुशी सारी मजा सब खत्म हो गया, इसे लेता इतने बड़ा मेहमान के हाथ से उपहार पाने के लिए हालेलुया, वह है स्वर्गीय अनुग्रह। प्रभु ने हमें अलग कर कर एक नाराशि का जीवन नहीं दिया, संकेती में भी डांटे लगने के लिए नहीं है, परमेश्वर के सारे अनुग्रह को अपनाने के लिए वो हमें बल और सामर्थ्य देता है। ये बात हमने देखा, सिर्फ बल देकर हमें ऐसे इधर वरिष्ठ लोगों की तरह बाकी लोगों की जैसे नहीं चलाता, महिमा से सजाता है वो, महिमा धारण कराकर, हालेलुया, बल और बल के ऊपर महिमा नहीं है। लेकिन हमने देखा ये बल प्राप्त किए हुए लोग, महिमा प्राप्त किए लोग, कुछ लोग मूर्खता के कारण नहीं है, नहीं है, उनको नष्ट किया है, नहीं है, दुश्मन के सामने लज्जित हुए हैं। प्रभु कहता है नहीं, मैं तुझे दिव्य ज्ञान और समझ दूंगा, नहीं है, मैं दिव्य ज्ञान और समझ दूंगा। ये बात प्रभु ने हमें समझाया और प्रभु ने ये बात भी समझाया, जो स्वर्गीय ज्ञान को प्राप्त करेगा वो स्वर्गीय शांति को अपनाएगा और प्रभु रूप में विश्राम पाएंगे, नहीं है, स्वर्गीय अनुग्रह कम नहीं है। नंगा में, गिरा हुआ में, श्रापित में, खेदित में, कायल में अपने आप को लेकर आता और स्वर्ग मेरे ऊपर ऐसा आशीष ऐसा वरदान उंडेल था, स्वर्ग के सबसे बेस्ट आतिथ्य। और प्रभु पिछले इतवार को हमें आह्वान दिया, मेरे विश्राम में प्रवेश करो, विश्राम का स्थल तुझको ढूंढ के निकालने की जरूरत नहीं है। हमें एक वचन पढ़ना, लेकिन हम आज ये वचन में सब पूछेगा कि मुझे बता रहे हैं, लेकिन मेरे दिल में ऐसे एक लाइक वेव्स द वर्सेस कम, इतने वर्सेस आते हैं जो परमेश्वर के जन जब चुराया जाता वो लोग चलता उसके सामने सामने परमेश्वर की महिमा का खंबा चलता। ये खंबा का काम क्या था पता है आप लोगों को, याद है ये खंबा का काम क्या था? उनका विश्राम स्थल ढूंढता था, इस आपने कई बार पढ़ा है, उसका विश्राम स्थल ढूंढता। हालेलुया, वो हमारा चरवाहा है, वो हमारा चरवाहा है, उसका काम है हर आपत्ति में, हर संकट में, हर परिस्थिति में, हर विषय के बीच में मेरे लिए एक विश्राम स्थान तैयार करना उसका काम है। उसके लिए नदी को बहाया है, अमेन, पहाड़ के बीच में से वो नदी बहेगी, अमेन, गर्जने वाले रहे
जमीन से वो नदी बहेगी, समस्याओं के बीच में से वो नदी बहेगी, मेरे मरुभूमि में, मेरे रेगिस्तान में ये नदी पहुंचेगी और उसके किनारे पर मैं विश्राम पाऊंगा। ये बात प्रभु ने हमें समझाया, प्रभु मैं ऐसे विश्राम स्थल में नहीं कराता ताकि परमेश्वर का जन स्वर्ग की खुशी अपनाए। प्रभु का ये चाहता है, साल खत्म हो रहा, मैं प्रभु के हृदय का आग्रह आपके सामने रखना चाहता, प्रभु अपनी प्रजा को अपने लिए अलग कर कर इन सारी आशीषों से भरपूरी से भरता ताकि परमेश्वर के जन आनंदित रहे। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया बड़ी खुशी आनंद से वो लोग एदन के बारी में जीते थे, उसका आनंद छीन लिया गया, वे नंगे हो चुके थे, यीशु आया उसका आनंद पूर्णता में लौटाने के लिए सबसे पहले अपने आप को फाड़ कर उनको पहनाया और एक भविष्यकर्ताओं को भेजा, न्यायियों को भेजा, अभिषिक्त राजाओं को भेजा कि ये जन को उसको विश्राम में प्रवेश कराए। यहोशू ने मेहनत जरूर किया लेकिन पिछले दिन हमने पढ़ा यहोशू उसको विश्राम नहीं दे सका। आमेन। यीशुआ आया, यीशुआ आया, जब यीशु जो नाम काम नहीं कर सका यीशुआ करेगा। उसने ये बोला कि शांति हो, पिछले दिन भी हमने सुना शांति हो, हाथ फैला कर कहता शांति हो। आमेन। ये सब छेद जो है ना मेरे शरीर का, ये सब तुम्हारा विश्राम स्थल का द्वार है, ये विश्राम स्थल का द्वार है। आमेन। हर बात तो फाड़ दिया गया है, अमेर धर्म का द्वार खोल दिया गया है ताकि धर्मी जन प्रवेश करें, उसके लिए अलग किए हुए लोग हैं धर्मी जन, यदि संदेह प्रवेश करें। मैं इधर उसे बोलूंगा माफ कर, आज अनुमाशन नहीं है, इसलिए ब्रानियों में कहता है हियाव बंद करा, हियाव बंद करा। हालेलुया। कुछ लोग कब्र में जाता, वो बहन लोग पूछता कौन पत्थर हटाएगा, तो बराबर संदेह करते हुए आता, सुगंध जरूर लेकर आता लेकिन उनको पता नहीं कौन पत्थर हटाएगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा चिल्ला चिल्ला कर कहते आओ मेरे द्वार खोल कर रखा है, आ जाओ हियाव बंद कर, आ जाओ सभी भाव। क्या भगवान है, वहां आनंद है। यहां परमेश्वर का भक्त कहता है मैं पूर्ण मन से धन्यवाद करूंगा, हालेलुया, आधा दिल से नहीं है, मैं पूरे मन से धन्यवाद करूंगा, धन्यवाद करूंगा। कैसे धन्यवाद करूंगा? उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करते हुए धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित हो जाऊंगा, मुझ में मैं कुछ नहीं देखता, मेरे मुझ में कोई कारण ही नहीं है, लेकिन मैंने किसको पाया है, किसने मुझको चुन लिया है, किसने मुझको उसके लिए अलग किया है, जिसने स्वर्ग की आशीष भोगताएं से उंडेलने के लिए मुझे चुन लिया है, उसके कारण मैं आनंदित और प्रफुल्लित है। I find no reason whatsoever, hallelujah, in this world to rejoice, but I have found one because of whom I will continue to rejoice. मैंने दुनिया में ढूंढ कर भी मेरी कुछ कामयाबी नहीं देखता, मुझे में प्रशंसा के विषय नहीं है, लेकिन मैंने किसको पाया है वो प्रशंसा के योग्य है, hallelujah, उसके कारण मैं आनंदित रहूंगा, मैं प्रफुल्लित रहूंगा। ऐसे परमेश्वर का भक्त का निर्णय है, वैसा परमेश्वर का भक्त का निर्णय है। हम आते सीधा 11 में आता, यहोवा जो सियोन में विराजमान है उसका वचन कहो सीनो रहो। परमेश्वर के लिए स्वर्ग नहीं है, परमेश्वर के लिए ऊंचा सिंहासन नहीं है, उस सिंहासन का वर्णन अभी तक किसी ने भी नहीं कर सका। कुछ लोगों ने देखा, पौलुस ने देखा, पौलुस बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, यूहन्ना ने देखा, यूहन्ना बोलता है कुछ तो ऐसे ही एक एक इसके जैसा दिखता, रेनबो जैसा दिखता, धनुष जैसा दिखता नहीं है,
मुझे कुछ पता नहीं, और कुछ कुछ जितने हीरे चांदी का सब उसको बारे में ऐसे सब बोलने के लगा हो, कुछ फायदा हाल रही है सुख न मनक सिरुबा वो सियोन को चाहते रहता बस करेगा वो सदा सियोन की राजगद्दी पर, वो सियोन की राजगद्दी पर से राज करना पसंद करता, ये पसंद की बात है। हालेलुया, ये कुर्बानी की बात नहीं है, इसलिए मैं बड़ा आनंदित हूँ। ये कुर्बानी की बात नहीं है, ये प्यार की बात है, ये चाहत की बात है। उसने मुझको चाहा, उसने मुझको चाहा, ये कहानी में कई बार बोला, बोल बोल के आपको बोल करते पता नहीं मेरे सामने ऐसी याद। एक बार में जब हमें कॉलेज में पढ़ता था तब हम लोग प्रचार करने के लिए एक जगह पे चला गया, वो भी ऐसी जगह है, सारे ऐसे लोग रहते हो वहाँ, पढ़ा लिखा लोग बहुत कम है वहाँ, तो वहाँ परमेश्वर के दास लोग एक छोटा सा अस्पताल चलाते हैं, छोटा सा अस्पताल चलाते हैं। वहां में गया तो वहां एक गोरा डॉक्टर, बारगांव के डॉक्टर, उसकी बीवी एक बंदरनी जैसी एक बीवी है, इंडियन है, कहानी मैंने कई बार बताया। तो किसी ने बोले डॉक्टर की बीवी में विश्वास भी नहीं कर सकता, मैं पूछा उधर के नर्स, वो बहुत अच्छी एक विश्वासी है, तो सचमुच उसकी बीवी बोलता हाँ, वो पहले इधर झाड़ू और पोछा करने के लिए आई थी, उसी शादी की उसने। मैं बोला ये दया करुणा है, इसका महान दिल है। मुझे मौका मिला डॉक्टर से बात करने के लिए, मैं डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर आपने इतने दया, आपका हृदय बहुत विशाल है। बोला व्हाई आई सेड आपने ऐसी औरत से शादी की, व्हाट मैन आई लव्ड हर, आई लव हर। बोलते बिफोर गॉड आई स्वेयर आई हैड नेवर फाउंड एनीवन मोर अट्रैक्टिव मोर ब्यूटीफुल देन दिस वुमन, she challenges me even today. Jesus. Prabhu daya taras nahi kare. Nahi Prabhu, yes na. Prem kiya usse. He Parameshwar ke prem ke layak ho. Bandar dikha tumhi. Yes Lord. Yes Lord. Dhanyawad. Yes Lord. Abhi mere biwi naraz ho jayega. बचपन में मुझे शादी नहीं करने का था, तो प्रार्थना करता हमेशा शादी नहीं करना, शादी नहीं करना, अगर मैं सबको बोलता शादी नहीं करूँगा तो बहन लोगों ने हमको धमकी दिया, बड़ा धमकी, चटंगर अड़ंगड़ चले जंगल गड़ गया कर दो हो सा कर गया अरे कर गया। तो मैंने प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं शादी करूँगा तो एक ऐसे बदसूरत एक औरत है, एक बेकार एक औरत है, एक बहुत गरीब कैसे औरत से मैं शादी करूँगा, और तू उसके लिए मेरे दिल में प्यार दिलाएगा, तब मुझे सचमुच पता चलूंगा मैं एक सच्चा परमेश्वर का भक्त हूं। लोग बाकी बहुत कुछ देखता लेकिन ऐसे सब हुआ नहीं ऐसे सब हुआ नहीं, मैं परमेश्वर के सामने झुकने को सीखा था बचपन में, इसलिए वो जो कहता वो मैं करता। मेरे कहने का मतलब है सिर्फ ऐसा नहीं है, ये प्यार है। इसके सामने ये बेकार इंसान, ये नीच इंसान अनेक साल पहले अपने आप को गिरा दिया, उसके चरणों में गिर कर कहा ये अद्भुत प्यार है। मैं परमेश्वर को इसलिए धन्यवाद देता, मैं कभी स्वर्ग के बारे में सोचा नहीं, मैं कभी नरक से डरता नहीं था, मैं पागल लेकर लड़का था, लेकिन इस प्यार ने मुझको गुलाम बना दिया। मैंने कहा प्रभु प्यार के सामने मैं क्या प्रत्युत्तर दूं,
तब से अब तक मैं एक चीज के लिए प्यासा नहीं, वो प्यार के लिए है। मैं कभी प्यासा नहीं रहा। वो मतवत करने वाला प्यार है उसका, पूरा तृप्त करने वाला प्यार है उसका। मेरा दोस्त लोग सब कॉलेज में पूछता था कि तू इतना खुश कैसा है। हमें खुश करने वाला मेरा प्रेमी है, मेरा प्रेमी है। हालेलुया। जब सब कुछ टूट गया ऐसा लगता, जब सब कुछ विरोध में कड़ा ऐसा लगता, वो आता मीठी मीठी बातों से मेरे दिल चुराता है। वो दिल चुराने वाला मित्र सचमुच प्रेमी परमेश्वर है। वो उस जीवन में वास करना पसंद करता, उस जीवन में विराजमान है। उसका भजन गाओ, जाति जाति के लोगों के बीच में उसको कर्मों का प्रचार करो। नहीं है वो तीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता। हालेलुया। वो तीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता। वो तीन और दरिद्र के साथ सदा बने रहता। तीन और दरिद्र का मतलब ये नहीं कि बहुत गरीब, उसका मतलब वो नहीं है। आत्मा में दरिद्र, आत्मा में तीन, आत्मा में दरिद्र का अर्थ जानते हो? दरिद्र शब्द है ना हिंदी में? हाँ, दरिद्र शब्द का अर्थ क्या मालूम है? मैं चाहता, मैं प्यासा हूँ, मैं भूखा हूँ। जो भूखा और प्यासा है वही दरिद्र है। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की बातों के लिए, स्वर्गीय दर्शन के लिए जो प्यासा भूखा रहता वो आत्मिक रीति से दरिद्र है। और प्रभु उसको तृप्त करने पर है। हम आगे बढ़ते हैं। ये वचन हम पिछले द्वार को भी सुना था। उसमें से एक नदी है, ये नदी सिर्फ विश्राम देने वाली नदी है। ये नदी क्यों हमें शांति और विश्राम देता पता है? कि परमेश्वर के आनंद को अपनाए, इसके लिए है। वो नदी जो है वो परमेश्वर के किसको किसको आनंदित करता, किसको आनंदित करता वो नदी? आप लोग है ना मेरे साथ नहीं है तो चुप बैठो, मैं पढ़ूंगा। ठीक है, ठीक है, चलो चलो। इसमें है ही नहीं, इसमें दिखता ही नहीं हो ना। आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। परमेश्वर के नगरी को आनंदित करने वाला नदी किसको आनंदित करता? परमेश्वर के शहर को आनंदित करने वाले नदी के किनारे पे ये चरवाहा मुझको लेकर आकर वहां सुलाता है। किसके लिए पता है? कि वही आनंद परमेश्वर को आनंदित करने वाला नदी किनारे, परमेश्वर के सिंहासन को आनंदित करने वाला नदी किनारे पे प्रभु मुझको सुलाता। कैसा? एरोप्लेन आकर लेके जाता नहीं, स्वर्गीय परमेश्वर सियोन को चाहकर सियोन के राजगद्दी में बैठता। वही नदी तब वही सिंहासन और सियोन के बीच में है, वहां से चलता। और वही नदी तो परमेश्वर को आनंदित करता, वो स्वर्गीय सिंहासन को आनंदित करता, वो स्वर्ग को आनंदित करता। वही नदी मुझे आनंदित करता, ऐसे परमेश्वर का दास करता नहीं करता। इसलिए मैं आनंदित हूं। नहीं है, रात काल में भी मैं उपदेश पाता रहता। नहीं लिखा है, मैं इधर उधर से पढ़ता क्योंकि मुझे बहुत जल्दी जाना है। ठीक है, रात काल में भी मेरा मन मुझे शिक्षा देता। यह अति सुंदर बात है। कभी कभी कुछ परमेश्वर के लोग रात को जाता, मैं सुना है ऐसे भक्तों के मुंह से सुना है। एक भक्त दाऊद स्वयं है। दाऊद कहता, तेरे वचनों को चित्त में समाने के लिए मैं कष्ट से गुजरा अच्छा हुआ। अति ऊंचाई दर्शन पाकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए मैं सबको हमें फेंक दिया गया, व्यापारियों के हाथ में भेज दिया गया,
नहीं, पोतीफर के घर में नौकर बना, जेल काटा, ये मेरे लिए अच्छा हुआ, इसे कहने वाले यूसुफ मेरे सामने है। नहीं है, उन्होंने ऐसी आंसुओं की तराइयों का पूरा पूरा लाभ उठाया, पूरा पूरा लाभ उठाया, जीवन के क्लेश का, तकलीफ का, परेशानी का, लड़ाई का, संघर्ष का, नष्ट का पूरा पूरा लाभ उठाया, बोलो लाभ उठाया। यहाँ एक परमेश्वर का भक्त कहते, रात काल में मेरा मन मुझको उपदेश देता है। कई बार मैंने ये बात कहा है, आधी रात को खिलने वाली फूल बहुत खुशबूदार होते हैं। अगर आपने किसी के जीवन में बहुत ज्यादा खुशबू देखे हो, वो आधी रात की अनुभव से गुजरा हुआ मनुष्य है, दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। जिसका हृदय में परमेश्वर के आनंद से उछलता रहता, उसका कारण वो आंसुओं की तराइयों से गुजरा हुआ एक मनुष्य है। ये बोलते, रात काल में मेरा मन मुझे उपदेश देता, शिक्षा देता नहीं, मैंने वो वक्त निरंतर अपने सम्मुख का, इसलिए जो कि वो मेरे देखने मांग रहता, मैं नहीं देख पाऊ, डक पाऊ, मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन, इसलिए हुआ। परमेश्वर के दाहिने भाग, यीशु कहते पिता, यीशु के विषय में कहते पिता, परमेश्वर के दाहिने भाग में वो बैठा है। यीशु ने कहा, जहां मैं बैठूंगा वहां तुम भी बैठोगे। पिछली बार को प्रभु ने कहा, मेरे विश्राम में प्रवेश करो। उसने सारे काम खत्म कर विश्राम किया, ऐसा बाइबल कहता। वो विश्राम में प्रवेश करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। आमेन। जब मैं उसके दाहिने भाग पे बैठूंगा, वहां आनंद ही आनंद है। वचन कितना सरल है, वचन छोटे शिशु की तरह पढ़ोगे ना, बहुत सरल है। वो बड़ा बड़ा व्याख्या करने को जाएगा, बड़ा बाइबल कॉलेज का अक्कल लेकर आएगा, तो शायद मुश्किल हो जाता, नहीं तो शिशु के समान वचन पढ़ोगे तो बहुत सुंदर है। मैं कैसा परमेश्वर को मेरे दाहिने भाग के रख सकता, प्रभु ने प्रवेश कराया और मैं उसके विश्राम में मुझको प्रवेश कराया, इसलिए जहां वो है वहां, इसलिए इफिसी में कहते हैं, प्रभु ने तुम्हें स्वर्ग स्थल में बिठाया। हालेलुया, वो स्थल है, यहाँ एक नदी है, वो परमेश्वर को जन को आनंदित करने वाली नदी है, इसलिए मैं भी आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई है। वो आगे बढ़कर कहता, क्या ही आनंद है, क्या ही सुख है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बने रहता, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु के निकट ही आनंद की भरपूरी है, बाकी सब बेकार की बात है। परमेश्वर से मुझे हटाने वाली एक चीज कितना भी कीर्तिमान मुझे क्यों ना लगे, कितने भी महंगा मुझे क्यों ना लगे, कितना भी आकर्षित, कितने भी खूबसूरत मुझको क्यों ना लगे, बेवकूफी है वो। हालेलुया, वो कूड़ा है। प्रभु का दास कहता, तेरे निकट आनंद की पूर्णता है। हालेलुया, मुझमें ये स्वर्गीय आनंद की पूर्णता इसलिए पाया नहीं जाता कि मैं प्रभु के निकट नहीं बैठा। जो कहता है जीवन में खुशी नहीं है, जीवन में शांति नहीं है, कारण मेरा पड़ोस के लोग नहीं है, कारण मेरी निंदा करने वाले लोग नहीं है, कारण मेरा विरोध करने वाले दुश्मन नहीं है, कारण यह है कि मैं प्रभु के निकट नहीं बैठा। परमेश्वर के दास कहते, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तो लड़ाई नहीं है, बहुत है, दुख नहीं है, वहां यीशु के विषय में कहते कि वो दुखी मनुष्य, दुखी मनुष्य। यीशु का जो तस्वीर लोग बनाते हैं, ताऊ ने क्या देखते हो, यीशु है क्या? ऐसा बनाना चाहता, आजकल ऐसा चित्र निकलता है, ऐसा नहीं निकला। ऐसे यीशु का तस्वीर, वो खुशी, इतना खुशी उसमें था। मुझे नहीं लगता है कि यीशु चलता था,
इसे सब लोग चित्र बना दो ऐसे ऐसे नहीं ऐसे ऐसे चलता एक तस्वीर में मैं देखा कि कोई तो एक तस्वीर में देख ऐसे ऐसे चलता ऐसे ऐसे ही चलता था स्वर्गीय खुशी और आनंद उसमें था लेकिन उसका दिल भारी था आपके लिए मेरे लिए वो दुखी था वो टूटा हुआ इंसान था आपके लिए और मेरे लिए मेरा दर्द सहकर मेरा बीमारी को अपना कर मेरी कमजोरी को उठाकर आगे बढ़ता है हम शमूएल में आता हमको यहाँ तक पहुंचना ऐसा कोई नियम नहीं है ठीक है जहाँ पहुंचेगा वहां तक पहला शमूएल 2:1 तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा मेरा मन यहोवा के कारण मगन है मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ कौन कहती है हन्ना कहती है हन्ना किसके कारण आनंदित है परमेश्वर के कारण अभी हमने वचन में पढ़ा तेरे कारण में आनंदित हूँ नहीं है हन्ना इसलिए आनंदित है कि अभी उसको बुढ़ापा में उसके सहारा देने के लिए एक लड़का मिला उसकी सहेली के इतने बच्चे लोग हैं वो लोग जब मैदान में खेलते हैं तब आंसू आती थी अब उसके साथ ये भी खेलेगा घोड़ा घोड़ा करके खेलेगा तो बहुत मजा आएगा इसके लिए उसके छाती से उसके बच्चे को खींच कर एक बुड्ढा के साथ सेवा करने के लिए फेंक दिया कितने बछड़े को बलि चढ़ाया उसने प्रभु को दिया इतने कीर्तिमान बलि चढ़ाया वह लिखा है सब हमने पढ़ा भी है इतने महंगा बलि चढ़ाया अमेर सबसे कीर्तिमान उसके जीवन की सपना अमेर उसके सपना का पूर्णता उसको परमेश्वर के पावल में छोड़कर आकर कहता मैं आनंदित हूँ कुछ लोग पाकर आनंदित होते हैं कुछ लोग देखकर आनंदित होते हैं आज प्रभात को मैं उठा ये सवाल मेरे सामने आया तू पाकर आनंदित होते हो या देखकर आनंदित होगे तब मैंने ये वचन पढ़ा प्रभु का फल मुझसे वो है प्रभु सवाल उठाता है अनुग्रह प्राप्त कर तू आनंदित होता है क्या और तू अपना और अपने आप को मुझको देख कर उसमें आनंद पाते होता मेरी गवाही हन्ना की गवाही नहीं है हमारे सारे गीत उल्टा है लेकिन दाऊद का गीत अलग है दाऊद कहता है प्रभु इतना चढ़ाने के लिए इतना अर्पण करने के लिए तूने मुझमें क्या योग्यता देगा और परमेश्वर को याद दिला कर कहते हैं इन्होंने जो यो लेके आया इनकी गिनती असंभव है खुशी से है प्रभु खुशी से है लेने में खुशी पाने वाले लोग धन्य है उससे बढ़कर देने में है ये दासी कहते हैं नाचती हुई कहते हैं यहूदी लोग गीत ऐसा नहीं गाता इसलिए कभी कभी मुझे लगता मैं भी यहूदी हूं लेकिन ये नाच की बात आते मुझे पता चलता मैं यहूदी नहीं हूं यहूदी लोग नाचते लेकिन वो नाच कोई भी नाच सकता है ऐसा भी है उनका नाच आपका जैसे नाच नहीं है वो लागान ऐसा 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 इतना तो मैं भी कर सकता ऐसा सब मुझको भी करने को आता ऐसे वो लोग गीत गाता है यीशु भी ऐसे ही गीत गाया जब यीशु ने कब ऐसा गीत गाया यीशु ने कब नाचा यीशु ने नाचा करके बाइबल में है क्या नहीं है ना फिर मैं क्यों झूठ बोलता मुझे झूठ बोलने का आदत है इसके लिए मेरी बीवी कहती है वो अंतिम जो फसल का भोज को खत्म किया वहां लिखा है वे लोग गीत गा के गेतसेमने की ओर चल पड़े वो गीत क्या पता है फसह का पर्व का गीत है फसह का पर्व का गीत कैसे गाते मालूम है सर्कल बनाते हैं
ऐसे एक वृद्ध में ऐसे 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 गीत गाते, एक नहीं अनेक गीत गाता है। 144वां भजन से होकर बहुत भजन वो जो साथ में गाते उसको कहते हलेल। इसे मैंने बताया, एक बार बताया, कोई बात नहीं, ये सब याद रख के चलोगे तो इसमें जगह नहीं रहेगा बाकी सब चच चीज के लिए, नहीं है। उसको कहते हलेल, हलेल गाते हालेलुया गीत, वो सारे भजन वो नाच के गाते। उसमें लिखा है वो लोग वो गाया, फसल पूरा नहीं होता, फसल का आचरण पूरा नहीं होता, आचार पूरा नहीं होता जब तक ये वृत्त गान ये गाना नहीं गाता। एक ही चीज अधूरा रहा, वे आपको याद होगा क्या हो, फसा का जो त्योहार मनाया पूरा नहीं मनाया, एक चीज रह गया, वो तो आखिरी आखिरी कप, आखिरी कप वो क्रूस पर पिया उसने, वो कब बढ़कर परमेश्वर का क्रोध था। मेरे और आपका पाप और सजा का पूरा सजा था, पूरा था, उसने उसको पिया। चेले लोगों को पीने नहीं दिया, चेले लोग नहीं पीना, मैं पीऊंगा ताकि तू मेरे विश्राम में प्रवेश करोगे। इसलिए उसमें कुछ मतलब नहीं है ये सब भाषण में, मुझे पता है, लेकिन अगर मुझे चांस मिलता किधर भी, लोग बोलता चार घंटा में तुम्हारा भाषण सुन के बैठेगा तो कुछ जो बोलना बोल बुढ़े सब बोलेगा, तो मैं चार घंटा एक बात पे भाषण दूंगा। यीशु ने कहा तुम्हें शांति मिले, यीशु ने कहा तुझे शांति मिले। उत्पत्ति से प्रकाशित वचन तक मैं उसके सामने बैठा था, एक बार प्रभु क्या कहता है, कैसे शांति है, शांति मिले, तू मेरे विश्राम में प्रवेश करे, नहीं है। हमें वहां से आगे बढ़ना है, नीति वचन में आना है। नीति वचन 20:20, जो अपने माता पिता को कोसता उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता। अरे पढ़ना पूरा वचन, जो भाग पहले उतावली से मिलता है अंत में उस पर आशीष नहीं होती, मत कह मैं बुराई का बदला लूंगा। 20:20 हुआ है, अयो सॉरी, गलती 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 बहुत गलती मैं करता हूँ आजकल। अच्छा मलयालम में भी वैसा है क्या? हाँ विट्टो अदर ഞാൻ വായിച്ചതൊന്നും അല്ല, 20 അല്ല, അതുപോലെ 19 21 എന്തൊക്കെയാവും എന്തൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ, ഉസ്മാൻ ലിഖാ ഹൈ കി ജോ ശാന്തി കേ കോചി ഹൈ വോ ആനന്ദിത് ഹോതേ ഹൈ, ജോ മേൽ ചാതേ ഹൈ മേൽ കി വക്ത ഹൈ वो आनंदित होते। ये सब आज प्रभात में पढ़ा तो बाइबल में है, मतलब नीति वचन में है। कोई बात नहीं, आप मेरे गलती को मैं मान लेता हूँ, मैं तो 20:20 लिखा है। अंग्रेजी में भी ऐसे शब्द नहीं है ना, किसी के पास नहीं है, अंग्रेजी नहीं है आपको, कोई बात नहीं, छोड़ो हम उसको छोड़ते, मैं बताता हूँ ना मैं क्या लिखना चाहा। वहां लिखा है कि दुष्ट लोग नाराशी में डूब पड़ेंगे, लेकिन जो शांति को खोजते हैं वे आनंदित होंगे। मलयालम में जो शांति का वक्त है वो आनंदित होगा, ऐसा प्रभु का वचन में लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं, ये बताने के लिए मैंने वचन पढ़ना चाहा, शांति और आनंद का गहरा संबंध है, ये बात बताने के लिए। प्रभु ने हमें शांति में विश्राम में इसलिए बुलाता कि प्रभु का आनंद मुझ में और आप में निरंतर बने रहे। शांति के बिना आनंद नहीं होता, जो विश्राम नहीं पाता उसके जीवन में आनंद नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु ने हमें आह्वान दिया, मुझ में विश्राम पाओ, नहीं है। हम आगे बढ़ते, आप ऐसे ढूंढने से आपको मिलेगा ही नहीं, मैं बोलता हूँ उसका आजू बाजू में मिलेगा, 18-19 में मिलेगा, 21 में मिलेगा, किधर तो मिलेगा, हमने हम यहाँ आते। फिर उसने उनसे कहा जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है, और उदास मत रहो क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है।
कुछ लोगों का आनंद ऐसे चीज में है, खुद खाने में नहीं सिर्फ बांटने में आनंद है। परमेश्वर का अनुग्रह और अभिषेक बांटने में कुछ लोग अति आनंद पाते हैं। मेरे जैसा आदमी बोलते कि मुझको ये वरदान दे, मुझको वो वरदान दे, मुझको ये अभिषेक आए, मुझमें वो अभिषेक आए, उसमें बड़ा आनंद है और मैं उसका प्रदर्शन भी करता है। लेकिन कुछ लोग सारी तैयारी कर कर, जिन्होंने अब तक तैयारी नहीं किया, जिन्होंने उसके लिए खर्चा नहीं किया, जिन्होंने उसके लिए मेहनत नहीं किया, जिन्होंने उसके लिए उपवास में नहीं बैठा, जिन्होंने उसके लिए लंबे लंबे प्रार्थना नहीं किया, उनके लिए भेजते हैं अनुग्रह, टोकरी टोकरी भेजता है, अनुग्रह की टोकरी भेजकर आनंदित होता परमेश्वर के चल हम आगे बढ़ता है, हम आगे बढ़ता है। श्रिया में आता जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उनको बहुत आनंद दिया, वे तेरे सामने कठिनी के समय का सा आनंद करते हैं। ये लोग इतने आनंदित होने का कारण आप जानते हैं, पिछले दिन हमने वो बात पढ़ा कि शांति के राजकुमार जन्म दिया है। लंबाई में मैं नहीं पढ़वाया, समय सीमित है, उसके कारण उसके आगे पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा शांति का राजकुमार का जन्म हो रहा है। जब शांति का राजकुमार आता वो परमेश्वर के जन को आनंदित करने आता, खुशी नहीं आनंद। कुछ लोगों को इसका फर्क मालूम नहीं, हैप्पीनेस और जॉय दो अलग चीज है। क्या वो बोलता कैसा मालूम है आपको अपने जोर जो है चाचा गिरी का कुछ लिमिट ही नहीं है इधर। खुशी जो आता है वो कुछ कुछ कारण से आता है। हैप्पीनेस जो है, हैप्पी बर्थडे इसे सब बोलते हैं ना, ये बर्थडे के कारण खुशी, या कुछ हैप्पी हॉलीडे तू छुट्टी पे जा रहे है उसके लिए खुशी, हैप्पी सैटरडे नहीं है, और दुख भरी इतवार क्यों परमेश्वर का दास चलाता है। तो ये सब हैप्पीनेस एक एक कारण, एक एक घटना उसके कारण है। जॉय वो नहीं है, आनंद वो नहीं है। आनंद मेरी मन की एक अवस्था है, उसके ऊपर कुछ भी बाहर के चीज का प्रभाव नहीं आता। इसलिए मैं आनंद हूं फिर भी मैं रोऊंगा। जब मैं रोता हूं तभी भी मेरा दिल आनंदित है। यह आनंद यीशु में था, जब मार खाता यह आनंद उसमें था, जब स्वर्ग छोड़कर आया यह आनंद उसमें था, जब क्रूस पर से कहा कि मैं प्यासा हूं यह आनंद उसमें था। ऐसा परमेश्वर का वचन में लिखा, मैं झूठ नहीं बोलता वचन के बारे में, क्या वचन के बारे में, इब्रानी में कहता उसके सामने जो रेखा था वो खुशी के कारण उसने मृत्यु को आनंद से चख लिया। आदमी काला है नाटा हूं, लेकिन मैं परमेश्वर का वचन में मिलावट नहीं लाता हूं। बगैर में जाके आप देख लो, मैं मेरा मन का एक बात आपसे नहीं बहुत है मेरे मन में कहने के लिए, जैसा यीशु ने कहा ना मेरे मन में बहुत है लेकिन अब मैं बोलना पड़ता। मेरे मन में अनेक चीज है, सोच है, जब मैं अकेला बैठता बहुत सारे सोच आता, बहुत सारे दृश्य आता, वो सब चीज मैं आपके सामने बोल नहीं सकता क्योंकि वो बाइबल में लिखा नहीं है ना। तो बाइबल में लिखा है वो बात में कहता, ये आनंद है। प्रभु ने नहीं कहा कि तू सदा खुश रहोगे, लेकिन तू सदा आनंदित रहोगे, परमेश्वर के कारण आनंदित रहेगा। जीवन में जो भी होगा सब कुछ खुशी की बात होनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आनंदित रहूंगा। Everything may not make me happy, but I will have divine joy. मुझ में दिव्य आनंद निरंतर बने रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बारह में
आते हैं 12:3-6 तुम आनंद पूर्वक उद्धार के स्रोतों से जल भरोगे उस दिन तुम कहोगे यहोवा की स्तुति करो उससे प्रार्थना करो सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है अभी थोड़ा सा और विस्तार में प्रभु दिखा रहा है आनंद की नदी के किनारे पे सोने के लिए नहीं है विश्राम तो जरूर है तू वहां से पिएगा आनंद की नदी से पीकर हालेलुया हालेलुया क्या करोगे पता है क्या करोगे आगे और एक बार पढ़ो यहोवा की स्तुति करो उससे प्रार्थना करो सब जातियों उसके बड़े कामों का प्रचार हालेलुया पहुंचाएगा जातियों तक पहुंचाएगा हालेलुया तब उत्तेजित हो जाएगा तब उत्साह से भरपूर हो जाएगा तब जाति जाति तक पहुंच जाएगा खुद का बात क्यों करना मुझे पता नहीं मुझे याद है कि वो दिन मैं जिस दिन उद्धार पाया उसे मुझे मालूम नहीं लेकिन जिस दिन प्रभु के साथ मेरा मुलाकात हुआ मुझे अच्छी तरह मालूम है मुझे कभी कभी लगता है कि मैं जन्म लिया उस समय प्रभु की अद्भुत कृपा से मैं उद्धार पाया मुझे पता नहीं हो ऐसा मेरा दोस्त को लगता मुझको नहीं लगता मेरे दोस्त को लगता तेरा उद्धार तभी हुआ ऐसा हमको लगता था कभी भी होने लेकिन एक दिन है मेरे जीवन में मेरा मुलाकात हुआ प्रभु के प्यार के सामने मैंने अपने आप को अर्पण किया तो मैं कॉलेज में आया तो मैं कॉलेज में पहला कॉलेज बोले तो 11वीं में ऐसे प्रवेश किया था तब तो तब मैं कॉलेज में हमेशा गीत गाता लेकिन वो जमाना मेरे जीवन में बहुत ज्यादा संकट की एक जमाना था तो मेरा छोटा भाई बहुत गंभीर तरह से बीमार था हॉस्पिटल में था डॉक्टरों ने बोला था कोई आशा की बात नहीं है तो मैं वहां हॉस्पिटल में रहता वहां से कॉलेज जाता वहां जाके इट्स बबलिंग इन माय सोल I'm singing, I'm dancing, since Jesus made me whole. Folks can't understand me. How can I keep it quiet? It's bubbling in my soul. ये गीत मैंने इधर सिखाया है बच्चों लोगों को ठीक है याद नहीं है क्या यार आप लोग को याद नहीं है वो तो उमंग रहा है हमें मैं भीतर नाच रहा हूँ और तुम लोग बोलते चुप बैठो मैं कैसे चुप बैठू हमें और तू पूछते तेरा परमेश्वर कहाँ है मेरा परमेश्वर ऐसा होता तो इतनी गंभीर तरह से मेरा छोटा भाई पोलियो से इतना पीड़ित नहीं होता मेरा परमेश्वर होता मेरी छोटी बहन इंटरनल बिल्डिंग के साथ घर इतनी गंभीर रीति से तड़पती नहीं है पूछता तेरा परमेश्वर कहाँ है मैं कहता मेरा परमेश्वर मुझ में जीवित है पागल की तरह इधर एक बैच लगा कर मैं घूमता जीसस इज अलाइव टुडे लोग पूछते ये क्या है सर लोग पूछते टीचर लोग पूछते ये क्या है मैं बोला जीसस इज अलाइव टुडे कहां है भीतर आनंद का कुंड है प्रभु के दाहिने भाग में आनंद है खुशी नहीं था मुझ में आनंद था खुशी की बात मेरे जीवन में नहीं घटती था लेकिन आनंद था आगे बढ़ता है अब 29 में आता 29:18-19 उस समय बहिरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे और अंधे जिन्हें अभी कुछ नहीं सूझता वे देखने लगेंगे नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे और दरिद्र मनुष्य इस्राएल के पवित्र के कारण मगन होंगे मगन और आनंदित होने के लिए एक ही चीज प्रभु मुझसे चाहता वो है नम्रता दीनता इसके कमी के कारण मुझ में आनंद की कमी है प्रभु का वचन बार 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 कहता है नम्र लोग
आनंदित होंगे, दरिद्र लोग खुश किया जाएगा। ये जब ये होती है, जब स्वर्गीय आनंद की पूर्णता मुझ में आता, तब मेरे आसपास के जो अंधे हैं ना, उसके लिए मैं नए आंखें बन जाऊंगा। जो मेरे है ना, उसका कान में बन जाऊंगा। वे देखने लगेंगे, वे सुनने लगेंगे, वे उछलने लगेंगे। बोलना सब गलत है, और दो दिन के बाद बोलना है सब चीज, मेरी नाराजगी बोलना है। एक ही चाहत से मैंने प्रभु के पीछे करने का निर्णय लिया। वो तो मुझे लगा परमेश्वर उतर के नहीं आया उस रात को, वो बेर रात को 2 बजे का था, तो प्रभु उतर के नहीं आया। लेकिन मुझे लगा, मैंने सुना उससे कि मैं तुझको एक अनुग्रह बनाऊंगा। मैं आमीन कहा, मैं मेरे डायरी में लिख रखा, प्रभु ने मुझसे वादा किया है मैं एक अनुग्रह बनूंगा। उसने नहीं कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, उसने नहीं कहा, उसने नहीं कहा मैं पढ़ाई में तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा, उसने नहीं कहा, उसने नहीं कहा कि तुझे सुंदर बीवी दूंगा और तुम्हें ऐसे अच्छे बच्चे लोग दूंगा, ऐसे उसने नहीं कहा। उसने सिर्फ इतना मुझको यकीन दिलाया, आके चिल्ला के कहा नहीं है, मैं अभी भी कहता हूँ ये मेरे मन में मैं सुनी हुई बात है, मैं तुझे अनुग्रह बनाऊंगा। पिछले दिन मैंने प्रभु को चिट्ठी लिखकर कहा, प्रभु अनुग्रह के बदल में मैं श्राप बन चुका हूँ, तू ये जानता। ये मनुष्य की दुख है, ये मनुष्य की नाराजी है, उसका कारण यह है जो नम्र बने रहता, जो प्रभु में बने रहता, जो दरिद्र बने रहता, वो आनंदित किया जाएगा, उसमें खुशी नष्ट नहीं होगा, उसके जीवन में आनंद की कमी नहीं होगा, वो अनेकों के लिए आशीष होगा। मेरे जीवन का सबसे बड़ा आग्रह था मैं कुछ लोगों के लिए पैर बन जाए, मैं और कुछ लोगों का हाथ बन जाए, कुछ लोगों के लिए आंख बन जाए, कुछ लोगों के लिए कान बन जाए। ये मेरे का एक आग्रह था, यह अधूरा इसलिए रहा कि शायद मैं प्रभु के निकट नहीं बैठने सीखा, शायद मैंने अपने आप को इतना नम्र नहीं किया, मैं इतनी दीनता से, इतनी दरिद्र भाव से मैं प्रभु के संग चला नहीं। इसलिए वो परमेश्वर की सपना अभी भी अधूरा है, वो सिर्फ मेरा सपना नहीं है, वो परमेश्वर की सपना है। हम आगे बढ़ते हैं, हम सफनिया में आता है 14-18। हे सियोन ऊंचे स्वर से गा, हे इसराइल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो, यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इसराइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू विपत्ति न भोगेगी। खुशी के कारण जानते हो, राजा तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। आनंद का कारण वह है जब राजा मुझ में राज करता, दुश्मन नजर उठा कर देखने का हिम्मत नहीं करता, मेरा बल दिखा कर मैं दुश्मन को नहीं डराता, मैं सकता राजा है, मेरा राजा है, मेरा राजा है। कई बार मैंने ये बेकार उदाहरण आपके सामने देखे। एक बार मैं स्कूल छुट के आ रहा था, तब मैंने देखा कि 4-5 लड़का लोग कुछ तो कर रहे हैं। देखा तो मेरा छोटा भाई को 4 लड़का लोग पकड़ के मारता है। तब मैं उधर बाकी छोटा लड़का है, वो बहुत छोटा, तो मैं उसका एक कदम रखा, लोगों ने देखा, अरे भागो भागो, सब लोग भाग गया। अभी की बात नहीं है, मेरा छोटा भाई गुस्सा करेगा तो कुछ भी बोलता है। राजा सत्य है। यस हालेलुया। छोटू का बल के कारण नहीं है, मैं कहूं छोटू के विश्वास के कारण भी नहीं है। हालेलुया। बड़ा बलवंत साथ दिया। हालेलुया। मुझे वो दो तस्वीर मुझे बहुत पसंद है।
वो तस्वीर में कभी भूलता नहीं, क्योंकि बार बार जब मैं यीशु के बारे में सोचता मुझे वो तस्वीर याद आता, मेरा बड़ा भाई मेरे साथ है, क्योंकि मेरा बड़ा भाई मेरे साथ है, इसलिए दुश्मन से ना डरूंगा, मेरा बड़ा भाई मेरा साथ है, इसलिए मैं आनंदित है, इसलिए दुश्मन थरथराते हैं। हमें 18 जो लोग नियत पर्वों में सम्मिलित न होने के कारण खेदित रहते हैं उनको मैं इकट्ठा करूंगा, क्योंकि वे तेरे हैं और उसकी नाम धराई उसको बोझ जान पड़ती है। सारी चीज आज मेरे जीवन की कहानी है। वे लोग को याद आता त्योहार के, कैसे खुशी से वे लोग त्योहार मनाते थे, तितर बितर हो गए, अन्य देश में हो गए, उसका वेदी नहीं रहा, उसके विषय में खेती था। प्रभु कहता मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा। मेरा बचपन में मैं क्रिसमस से डरता, मैं ईस्टर से डरता, मैं सालगिरह से डरता, बर्थडे से नहीं, क्योंकि मेरा बर्थडे को याद नहीं करता था, हम लोग बर्थडे नहीं मनाता था, तो उससे मैं नहीं डरता, मैं सारे चीजों से डरता था, क्योंकि वैसा वो दिन नजदीक आते मेरे जीवन में संकट बढ़ता था। कारण सब कुछ नहीं है, कारण सब आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं ऐसे सोचता था, ऐसे सब त्योहार नहीं रहता तो कितना अच्छा था, क्योंकि वैसे त्योहार मुझे रुलाता था, बहुत रुलाता था, बहुत ज्यादा रुलाता था, तो ऐसे सब आते ही मैं डरने लगेगा। कभी कभी मैं खाट के नीचे जाके सोएगा और मैं बोलूंगा प्रभु को, प्रभु रात सुबह सूरज का उदय ना हो, मुझे सूरज का उदय नहीं देखना, ऐसे सब मैं सोचता था। ये वचन पढ़ता मुझे वो याद आता, प्रभु ये सारे चीजों को अनुग्रह में बदलने वाला प्रभु ने वो किया है, उसके लिए धन्यवाद। मेरे एक क्लेश, एक संकट, एक नाराजी, एक पराजय, एक दुख, एक कण आंसू का एक कण भी नष्ट नहीं हुआ है। प्रभु कहता मैं आनंदित, तुम्हारा उत्सव मनाओगे। प्रभु कहते तेरा उत्सव मुझ में, तेरा उत्सव मुझ में है, मेरे कारण तू उत्सव मनाओगे, हमें तेरा राजा तेरे साथ है, इसलिए मनाएंगे त्योहार। तू हम आगे बढ़ते हैं, मत्ती में आता हूँ, मत्ती 9:10 वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्हें पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। वे दूर देश से निकल चुके थे, करीब करीब 2 साल तक सफर कर कर आया। हम लोग सब प्रभु की आराधना के लिए कितना तकलीफ उठा कर आते हैं ना, कितना तकलीफ उठा कर आते हैं। मैं इसे हंसी मजाक में कल कहा कि यहाँ हम घर घर में सब जाते थे मजा में, तब 4:30 को अशोक भाई के घर में बोलेंगे तो जब मैं आता उधर पाई रखने को जगह नहीं है, अगर मैं इधर कहता परिवार का आशीष है कोई नहीं, कोई बात नहीं है, सब होता है, सब होता है। ये लोग यीशु को नहीं जानते थे, ये राजा के विषय में नहीं सुना था, सिर्फ एक नक्षत्र ने, एक तारा ने उसको बताया राजा का जन्म हो रबना मामा का। ये इतने बात सुनकर राजा की आराधना करने के लिए ये लोग आए। जब मैं प्रभु में आया था तब हमारी चर्च में ऐसे से बहुत ज्यादा सभा नहीं चलता, तो हम पागल की तरह भूखा है, मैं किधर किधर जाता वचन सुनने के लिए नहीं जाता। वाय मौका बोलना मुझे परमेश्वर के जन को देखेगा ना, इतना खुशी और आनंद मिलता था मैं बोल नहीं सकता, वो अभी भी वो मेरे दिल में है, मुझमें प्रेरणा आता। कोई बैंक में गया परमेश्वर के दास को देखा, मुझ में एक अलग तरह की खुशी आता है, उसको जाके प्रश्न बोलो मैं कहा करो ये था। तो मैं किधर भी मीटिंग में मैं उधर जाता, मुझे उधर खड़ा रह के लोगों को देखना,
ऐसा बाइबल पकड़ के आता, मैं भी बड़ा बाइबल लेके मैं भी खड़ा रहेगा और सारे भीड़ लगेगा उसके साथ में चलूंगा। मुझे बहुत आनंद है, मैं सियोन के संग में सभा में हूँ। इसलिए पवित्र शास्त्र में लिखा है, जैसे मैं स्मरण करता उन सब मनाने वाले लोगों के संग में मैं गया था, वो स्मरण करकर मैं आनंदित होता। मैं कभी कभी दूर सब भूल कर चले जाता है, बाद में पता चलता मीटिंग खत्म हो गया, त्रिशूर आने के लिए बस नहीं है, तो क्या करेगा? पागल की तरह चलता है। कोई ट्रक जाते हैं क्या देखने का, भीख मांगने का, लेकिन 2:30 बजे तक घर पहुंचा। छोटा लड़का और मैं, घर वाले पूरे जगह मेरे लिए खोजी किया, चर्च में गया, इधर गया, उधर गया, पुलिस कंप्लेंट दिया, सब जगह आया। तो मैं आता, पुलिस कंप्लेंट दिया, तो मैं आते ही मुझको धक्का करके एक मिला, मैं बहुत खुश था, बहुत खुश था। चाहता, प्यासा, भूखा, प्यासा और भूखा। अभी वो सब प्यास किधर गया मुझे पता नहीं। ये लोग इसलिए ऐसा आया, राज्य छोड़कर, देश छोड़कर आता। कुछ लोग अभी कम हो गया, अभी तो कोई बोलता नहीं। कुछ लोग पहले से बोलते था, ब्रदर माफ करो, हम आ नहीं सका। आपने आ सका का तो मुझसे क्यों माफी मांगते थे, मांगते हो? आपने आया तो मेरा बाप का क्या जाता? अल्ल ब्रदर ये अत्यावश्यमायिट्टु अवड पोंडी वन्नु अप्पो एनिक्क एन्न कुझुम्बो एन्ते मोन्टे परीक्षयाणे नी पोयिल्ल एनिक्क एन्न कुझुम्बो मुझको क्या तकलीफ है, मुझको क्यों सॉरी बोलता है? अल्ल ब्रदर ये जरा समझने को कोशिश, क्या समझने का? मुझको आप नहीं आया तो आपका बात है, नहीं है वैसे नहीं है। ये लोग यीशु को तृप्त करने के लिए नहीं आता, स्वयं तृप्त होने के लिए आता। वो लोग आया, थोड़ा सा गलती से गलत दिशा में गया, राजमहल में गया, उसका खुशी खत्म हो गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये क्रिसमस की कहानी मैं आपके सामने इसलिए नहीं इसलिए लेकर आया कि खुशी तब घटती है जब दिशा बदलती है। कितने खुशी से वो लोग आते थे, कारण जानते हो? तारा, तारा खुशी का कारण दर्शन है, खुशी का कारण परमेश्वर है। अमर तेरे कारण में आनंदित और प्रफुल्लित रहूंगा। आनंद परमेश्वर के तारे के कारण था। हेरोद के राजमहल में कुछ सा तारा नष्ट हो गया। अमर इस तारा इस दर्शन मुझे नष्ट होता, मैं राजमहल में घुसता, दुनियादारी में फंसता, संसार की रीति को अपनाता, तब मेरा मार्गदर्शन करने वाला तारा भैया राजमहल से बाहर आया, तारे इंतजार कर रहा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्रिसमस का तारा, त्योहार का तारा सही जगह पर पहुंचाने के लिए मेरे लिए इंतजार में है। आमेन। वहां लिखा है, दोबारा तारे को देखकर वह अति आनंदित हुआ, जो नष्ट हुआ था उसको देखकर अति आनंदित हुआ। आज प्रभु की आत्मा चिल्ला चिल्ला कर मुझको और आपको कहता हूं, में आता 25:20-23, जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। परमेश्वर के वचन कहते हैं, सिर्फ मेरे विश्राम में नहीं प्रवेश करना, मेरे आनंद में भी प्रवेश करना। हालेलुया। बहिने बाग में आनंद है, खुशी की पूर्णता है,
उसकी सहभागी होने के लिए। आमीन। काली हाथ जो आता वो नहीं कर पाता, ये काली हाथ आने वाले के लिए नहीं है, ये निर्लज्ज प्रभु की सेवा करने वाले लोगों के लिए। जो भी मिला, सिर्फ एक दिनार मिला काफी है। प्रभु ने वो उपमा सिखाया, उसमें ऐसा नहीं कहा कि कुछ लोगों को कुछ नहीं दिया, ऐसे सिखाया नहीं। दिया। मैंने पाया हूँ। बेंगलोर के एम ए वर्गीस पास्टर के जैसा मैंने नहीं पाया। आज मैं उसके मुंह से बहुत बहुत सुंदर बात सुना, कैसे प्रभु ने उसके कलीसिया को आशीर्वादित किया, इतना बढ़ाया, इतना बड़ा कलीसिया है वो। बोलते वो प्रदेश का नाम बदल है, पहली बार में सुना, एक पूरा प्रदेश का नाम बदल, उसका चर्च का नाम। बटवाड़ी को शकीना कहते हैं क्या? नहीं कहते ना, पहले कितने खुशी की बात है। प्रभु परमेश्वर के दास दासियों का आदर करता है, उसने ऐसा सेवा किया, ऐसा अभिषेक से। वो कुछ गलत बात बोलेगा तो मैं बोलेगा वो गलती है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि मैं उसका आदर नहीं करता, बहुत आदर करता, बहुत आदर करता। सबने हमेशा मैं झुक कर खड़ा था, आज भी मैं झुक कर खड़ा था, मैं झुक था, बैठता तो भी मैं झुक था। ऐसे नहीं, एक संत लोग है, यहाँ हम लोग हैं, जो मिला उसको बढ़ा के लेकर आया। हो रहा मुझे दुखी करने वाली एक उपमा है यार, मैं क्यों दुखी हूँ? मैं कई बार बताया, मेरा सर, मेरे टीचर को ये अच्छा नहीं लगता, तो मुझको बोलता तू वो बोलना है तो खड़ा मत हो जाओ। मैं कहता जो लास्ट वाला ना एक दिन आ पाए, कम से कम वो लेकर आया ना, मैं तो छोटा लड़का के तरह मैंने वो भी गवा दिया। Naked come to the fortress, wretched come to the for grace, nanga hu main aata hu, neech hu main aata hu, sab kuch gawa diya, tabhi bhi prabhu kehta hai दोबारा त्योहार मनाओगे, दोबारा तारा दिखाई देगा, आनंदित हो जाओगे। लेकिन ये लोग कहते यो सहभागी हो जा, कितना खुशी की बात है, परमेश्वर को खुश करने वाली बात है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें प्रभु हमेशा खुश करने पर है, बहुत कम लोग परमेश्वर को खुश करने पर है। ये बात बहुत सालों से मुझे तड़पा रहा, परमेश्वर अनेकों को खुश करता, लेकिन बहुत कम लोग परमेश्वर को खुश करता, परमेश्वर को खुश करता। इन्होंने किया, इन्होंने किया, व्यापार किया, हमें दे दिन बिजनेस फॉर द लॉर्ड, हमें परमेश्वर के लिए व्यापार किया, कमा के लेकर आया। हम आते प्रेरितों का पुस्तक में 5:40-47, तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों का बुलवा कर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। అపమానం నాము కవకాశమెను ప్రభుకు బట్టి మన గీత గాయా కరు యెహోవా పరమేశ్వర్ హై నయ్యా ఇస్ జీవన్ మే అపమాన్ నింద పరిహాస్ సబ్ హై వో హమారీ హిస్సా హై ఐసా ఉసే లిఖా హై Yes. वो इतना अच्छा नहीं लगा मुझे, वो मेरा अवकाश है,
എന്റെ ആനന്ദമാണെന്ന് എനിക്ക് പഠനം. അവൻ ഈ തലത്തിൽ അപമാനം നാമോ ആനന്ദമെന്നോ തീരുക. പ്രഭുക്ക് നീ അപമാനിത ഹോനെങ്കിൽ നിന്ദിത ഹോനെങ്കിൽ യേ മേ ചുന ലിയ ഗയാ വോ ശുഭഖബരി ഹേ. आज मेरा बहुत तारीफ में करूंगा, साल खत्म हो रहा है, वो दिनों से नहीं किए. ये कहानी भी मैं एक बार में आपको एक बार नहीं दो बार बताया होगा शायद. मैं मेरा पढ़ाई खत्म करके एक इंटरव्यू के लिए गया. वो जमाने में चेन्नई नहीं था, मद्रास था. अभी पता चला ना कि नगुल्डा भी है. मैं मद्रास शहर में गया इसी कंपनी करके, इसी बल्ब लाना, इसी लिफ्ट लाना. नहीं है एडवर्टाइजमेंट, पहले टीवी में आता आधे बड़ा कंपनी है. पहले जमाने में इंडिया में सब पहली बार लिफ्ट बनाया वो लोगों ने. नहीं हम भी बहुत कुछ करते हैं. उधर इंटरव्यू में गया एक मनोहर करके, वहां के रीजनल मैनेजर मेरा इंटरव्यू लेता. मैं वहां जाके बैठा थोड़ा स्टाइल में, इंटरव्यू है ना तो टाइप से बांध के स्टाइल में इधर आके बैठा. वो भी बड़ा स्टाइल में ऐसे. वो एक एक सवाल करता मेरे छाती को देख, छाती है नहीं, छाती को देखता. मैं मेरे मुंह नहीं देखते, छाती को क्या देखता. मैं क्या मोदी साहब के जैसे इतना बड़ा छाती है क्या. इधर एक मेडल एक एक है, जीसस इज अलाइव टुडे. बड़ा वो देखता. मैं सच्चा कहानी बोलता. एक एक सवाल करते करते वो फुट फुट कर रोने लगा, रोने लगा. मुझे पता भी नहीं चला क्या हो रहा. उन्हें दरवाजा बंद करा, बोला दरवाजा बंद है. उसका कैबिन में वो रोता, रोके रोके मुझे को कहता, सन आई शुड हैव बीन सर्विंग द लॉर्ड. मैं प्रभु की सेवा करना चाहिए था. मेरे पिताजी एक पास्टर एक सेवक है उसका लड़का, लेकिन मैं तो ये सब चीज भूल गया. तूने मुझको आज छोड़ दिया, तेरे इंटरव्यू में ले नहीं पा रहा. अगर मुझ में इतना हिम्मत जो था, मैं परमेश्वर की निंदा बोलता, मैं परमेश्वर के लिए निंदित बोलता, उसमें अभिमान है. इसी का रीजनल मैनेजर होने से बढ़कर परमेश्वर का नौकर बनने में आनंद है. हालेलुया. मैंने वो नौकरी स्वीकारा नहीं, वो बात अलग है, क्योंकि मुझे वो काम इतना अच्छा नहीं लगा और मुझे को प्रभु का अगुवाई भी नहीं था. परमेश्वर के लिए निंदा सहने के लिए अगर चुन लिया गया तो सौभाग्यवान है, सौभाग्यवान है. इसलिए वे लोग आनंदित है, मार खाया उसके बावजूद आनंदित है. लोगों के सामने हमें मार खाया आनंदित है. मेरे पिताजी है ना, आज मैंने कहा ना आज मेरा दिन है, माफ करो. मेरे पिताजी ऐसे चलते जाते ना, गीत गा के चलता, कम स्वर में नहीं गाता ऊंचे स्वर में, सब लोग फिर की लेता उसका. हे उपदेशी पदनंद उपदेशी 11 बोलते उसको, 11 मतलब वो पैच पहनते हैं. हमारे गांव में सब मुंडू पहनते हैं, वो बचपन से पैच, वो मिलिट्री में था ना तो उसको वो आ देता है, उसके मुंडू मुंडू पहने का आदत नहीं था वो जमाने में, तो पैच पहन के तो उसका कैसी बजे. अरे उपदेशी 11 बोलेंगे तो पैच है ऐसा 11 के जैसे थोड़ा बहुत. जब लोग उसकी निंदा करते ना, ये थोड़ा ऊंचा स्वर में गाएगा. उसके संतान ही हम लोग, उसके संतान है. आप शहर में जाके बच्चा को ब्रदर का बच्चे लोग के बारे में पूछो, लोग सलूट मारेगा. प्रभु ने चीज नहीं करता. जितने भी कॉलेज में स्कूल में हम पढ़े वहां जाके पूछो, जितना कंपनियों में हम लोगों ने काम किया वहां जाके पूछो. मेरा छोटा भाई गुजर गया, उसका बॉस लोग और बड़े बड़े लोग आया, मुझको कहा ऐसे एक मनुष्य ये मांस और हड्डी में है
हमें विश्वास करना मुश्किल है। आप लज्जित हो जाओगे, निंदित हो जाओगे। हालेलुया, उसी में अभिमान है, उसी में खुशी, उसी में आनंद है। हम आते आठ में, तब उसने रथ खड़ा करके आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर न देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। एक परमेश्वर का दास बहुत ही ऐसे गरीब, ये बाइबल की बात नहीं कहता, गरीब अवस्था से प्रभु में आया और उसको प्रभु की अद्भुत कृपा से अमेरिका जाने का मौका मिला। तो अमेरिका में बहुत बड़ा सभा में उसको भाषण देने के लिए मौका मिला। जब अमेरिका जाने को मौका मिलता है, गरीब लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उसके सारे खर्चा, उसके सारे संकट, नाराशी सब खत्म हो जाते वहां जाएंगे। तो ऐसा भाषण, प्रभु की आत्मा ऐसे उसके ऊपर उतर कर आया, ऐसा भाषण दिया, लोग सब पवित्र आत्मा के प्रभाव में एकदम भरपूर हो गया। इतना हो गया, सब लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी देने के लिए तैयार है, परमेश्वर के दास का आदर करने के लिए तैयार है। इतने में क्या हुआ, ये आदमी वो स्टेज से अप्रत्यक्ष हो गया। पवित्र आत्मा ने उसको वहां से उठाया और केरल में में उसको, वो आदमी आनंद से खुशी से मगन होकर चिल्लाने लगा। ऐसा होता है क्या? अरे नाराजी से रोएगा, वो अमेरिका में गया तब बड़ा बड़ा सपना लेकर गए थे वो, नहीं है? आपको लगा ऐसा कुछ हुआ, मैं आपके सामने उपमा, यीशु भी उपमा बोलता था ना, तो मैं भी उपमा लेकर आया, आप खुश होंगे क्या? इतना बड़ा भाषण दिया, थैंक्स बोलने के लिए भी मौका नहीं है, लोगों को चरणों में गिरने को नहीं मिलता, तोहफा मिला, पैसा मिला, कुछ भी मिला, कुछ नहीं मिला। इतना बड़ा आदमी है वो कुंतकार आदमी, जो रानी जो है उसका फाइनेंस मिनिस्टर है, कितना आपको दे सकता था वो, कितने तेरे चरणों में गिर पड़ता था, प्रभु नहीं चाहता, प्रभु नहीं चाहता। अबे फिलिप्पुस को यूं उठाया, एक धन्यवाद देने को मौका नहीं दिया, एक तोहफा देने को मौका नहीं दिया, एक पैसा देने को मौका नहीं दिया, यूं उठाया और परमेश्वर के पास आने दिया। मेरे इस आदमी को मौका नहीं मिलता, इसलिए मैं जलन के कारण ऐसे से बोलता, मेरे इस आदमी को अमेरिका जाने, मैंने कई बार गया प्रचार करने के लिए नहीं गया, काम करने के लिए गया, अमेरिका में जाने को मिलता वहां खड़ा रहता, आंखें में कहता ये घर प्रभु ने दिया है, मैं बोलेगा ये इनोवा गाड़ी प्रभु ने दिया है, धन्यवाद हो, कोई बात नहीं है, उसमें गलत है क्या? नहीं है, लेकिन कुछ भी पुरुष लोग आज भी दुनिया में है, हालेलुया, देने में आनंद है, सब कुछ अर्पण करने में आनंद है, अबे एलिशा की तरह कुछ लोग आज भी है, अबे एक वस्तु में नहीं लूंगा, नहीं है एलिशा ने किया तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तभी तुम्हारी कोमलता सबके सामने प्रकट होगा। मैं ब्यूटी पार्लर में जाने से नहीं होगा, ब्यूटी पार्लर में नहीं जाना इसे मैंने नहीं कहा, इसे मैंने नहीं कहा, ब्यूटी पार्लर में आप नहीं जाएगा तो उनका गुजारिश कैसा होगा, कितने लड़कियां अनपढ़ लोग है वो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे अनपढ़ भी ऐसा कर सकते, कर सकते, अच्छी कमाई है,
आप लोग जरूर जाना, ठीक है, जो नहीं जाता आप भी जाना, चुन के लेना, जिधर दाम कम है उधर जा रहे हो। मैं कई सालों से सोचता था एक बार मुझको भी जाना है, मेल का है ना, इधर दो है यार, देखने के क्या करता है। तो मैं बाल कटाने के लिए जाता था उधर आजू बाजू में, किसी को ऐसे बूद ये सब बना के बैठाते, ये देख के मैं सोचते ये सब नहीं चाहिए। शादी के पहले एक आदमी ने मेरा कंपनी में बोला था, तू ना कम से कम तेरा चेहरा थोड़ा ठीक करके शादी में जाना। हाँ 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 करके मैं गया, ठीक नहीं है ये सब नहीं करना, इसे इतने हैंडसम है तो क्या नहीं, किसी का हाथ में दिया वो खराब कर दिया। मेरी कोमल दांत प्रकट हो गई, मेरी खूबी प्रकट हो गई, मेरा जीवन खुशबूदार हो गया। बल धारण करने से नहीं होता, महिमा प्राप्त करने से सिर्फ नहीं होता, महिमा धारण करके लोग ऐसे सब चलते ना। आमेन, आमेन। जब प्रभु की शांति और विश्राम को अपनाएगा, यह आनंद की सहभागी होगा। I will spread joy. I will spread joy. आप आया, बाहर आया। हिंदी वाला ऐसा कहता है, सही है? हाँ सही है। आप आया, बाहर आई। Yes. मैं ये सुनना चाहता हूँ। अम्मे प्रभु, Yes Lord. कलीसिया से नहीं। कलीसिया के लोग चमचागिरी बहुत करते हैं। मैं सुनना चाहता हूँ। लोग का है। आप आया, बाहर आए। आप आया, बाहर आए। बहुत सारे लोगों ने ये परमेश्वर के दास को कहा, जैसे आप निकल गया सब कुछ खत्म हो गया। जब हम परमेश्वर के दास हैं, वो परमेश्वर की एहसान है। जब हम परमेश्वर का दास है वहां आनंद है, जहां परमेश्वर का दास है वहां सुरक्षा है। इसलिए पौलुस कहता है, जहाज में बने रहोगे मेरे साथ तो नष्ट नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु है तो जहाज में मुस्कुराएंगे। हालेलुया, यीशु जहाज में, परमेश्वर युवा तुम्हारे बीच में है। आनंदित हो, तूफान के बीच में आनंदित रहोगे। मैं और दूसरा संदेश देने के लिए मेरे पास समय नहीं है। साल खत्म हो रहा, प्रभु कहता तुम आनंदित रहोगे। हालेलुया, मेरे आनंद की सहभागी तुम बनोगे। हमें खुश होने के लिए कुछ भी कारण नहीं है, प्रभु के कारण आनंदित है। देखकर आनंदित, पाकर नहीं, समर्पण कर आनंदित है। लोग मेरे सामने झुकता उसके कारण नहीं। आज वो महान परमेश्वर के दास के मुंह से एक बात सुना। एक बार वो किधर जा रहा था, बहुत बरसात, इतने चिकन किचन किचन इतने किचन है उसमें जा रहा है। उसमें एक आदमी का फोन आया, पास्टर सुना कि आप ये मार्ग से गुजर रहे हैं। बोला हाँ हाँ, आप थोड़ा देख के चलना कि हम दूसरी दिशा से आ रहे हैं, हमको मिलना है आपसे। एक युवक है, उसका अभी अभी शादी हुआ है, वो उसकी नववधू के साथ आ रहा है, उसको मिलना है। तो ये दोपहर की ये इधर उतरेगा कैसा गाड़ी से, तो ऐसा गाड़ी आमने सामने आया रुका। बोलते इतने किचन चिकन और किचन में क्या फर्क है? मराठी में चिकन बोलते हैं, हिंदी में किचन किचन बोलते हैं। मराठी मानुष है, मैं गाड़ी से उतरने से पहले ये लड़का तो बहुत महान डॉक्टर है, वहां बहुत ऊंचा पद में, ये किचन में परमेश्वर के दास के चरणों में गिरकर हाथ रखो।
कहते मैं जिधर जाता लोग रास्ते में उठने में आता और कहता पास्टर हाथ रखो, यहाँ परमेश्वर का दास है वहां अनुग्रह है, जहां परमेश्वर के ऐसे अभिषिक्त लोग हैं वहां सुरक्षा है, वहां आनंद की पूर्णता है, वहां खुशबू है। हालेलुया। हमारे बीच में ऐसा कोई महान दास नहीं है, लेकिन राजाओं का राजा है, शांति का प्रभु है, राजकुमार है, उनके बीच में प्रभु है, आनंदित हो जाए, अमन आनंदित और मग्न हो जाऊंगा, क्योंकि तेरे पास खुशी की पूर्णता है, आनंद की परिपूर्णता है, भरपूरी है। यीशु के नाम में आमीन। आइए प्रार्थना करें। आमीन।